नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ से अज की क्लास में आप टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज नू कवर करांगे। एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं एक तो थ्यूरी विच क्लास प्रोवाइड करवा दी है। जो तुम वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के एंड में तुम उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, उत्थे जाके एक बार विजिट जरूर कर। जो टॉपिक नू थ्यूरी विच चंगी तरह समझना चाहते हो तो अज की क्लास में आप एमसीक्यू कवर कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक की कहना है, वाईफाई का अर्थ की है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई की है, तो वायरलेस फैडिलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, वायरलैस संचार कदों शुरू हुआ सी। दोस्तों इतने याद रखना, मैं वाईफाई नहीं किया, इतने वायरलैस बिना तार का कोई भी प्रोडक्ट है, इसका संचार कदों हुआ सी, तो 1885 ईस्वी में जिहड़ा वायरलैस संचार स्टार्ट होया सी। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, वाईफाई किस साल में शुरू किया गया सी, तो 1991 ईस्वी में वाईफाई की शुरुआत हुई सी। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, वाईफाई किस देश में सब तो पहला शुरू किया गया सी, तो दोस्तों नैदरलैंड में सब तो पहला वाईफाई जो रिलीज़ किया गया सी। इतने थोड़ी स्पैलिंग मिसटेक हो गया, तुसी ठीक करके इसको नोट डाउन कर लियो। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, वाईफाई किस कंपनी द्वारा बनाया गया सी, सब तो पहला वाईफाई किस कंपनी द्वारा बनाया गया सी, तो दो कंपनियों द्वारा यह बनाया गया सी, NCR कारपोरेशन एंड AT&T कारपोरेशन द्वारा सब तो पहला वाईफाई का निर्माण किया गया सी। दोस्तों इंस्टाग्राम से काफ़ी कैंडीडेट मैं कंप्यूटर की तैयारी वास्ते बेस्ट बुक पूछ रहे हैं। जो तुम भी कंप्यूटर की तैयारी वास्ते बेस्ट बुक बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है। सो यह लेटेस्ट एडिशन बुक है, शायद तुम्हें मार्केट में ना मिले, इस करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ तो लिंक पर क्लिक करो, सीधा अमेजोन से ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स की गल करिए, पहला वायरलैस उत्पाद यानी प्रोडक्ट का नाम की सी, तो वेवलैंड नामक एक प्रोडक्ट रिलीज़ किया गया सी, यह वायरलैस सी। क्वेश्चन नंबर सैवन की गल करिए, वाईफाई IEEE स्टैंडर्ड कदों बनाया गया सी, तो 1997 ईस्वी में वाईफाई IEEE स्टैंडर्ड बनाया गया सी। क्वेश्चन नंबर एट की गल करिए, वाईफाई IEEE स्टैंडर्ड नंबर की है, मतलब कि एक फ्रीकुएंसी सैट की होंगी है जिस इसनों एक IEEE स्टैंडर्ड नंबर दे दिया जाता है, तो वाईफाई का जो स्टैंडर्ड नंबर है वह जो लेटेस्ट इस टाइम स्टैंडर्ड नंबर है वो IEEE 802.11 है, तो सब तो लेटेस्ट जो AX एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार बनया है, तो इस बार भी बन सकता है, तो करके इसको चंगी तरह याद कर लो। क्वेश्चन नंबर नाइन की गल करिए, IEEE का पूरा नाम की है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEEE का फुल फॉर्म है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होया। दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई, जे तुसीं कंप्यूटर पोलिटी जनरल सायंस एंड पंजाब जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो दोस्तों यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे गल करके पहले पूरी जानकारी लेनी है, तो फिर तुम इस PDF फाइल में बाय कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, वाईफाई की खोज किस द्वारा की गई सी, तो हैडी लैमर नामक एक फीमेल ने यह जो भी साइंटिस्ट से इन्होंने जी कि वाईफाई की खोज की। क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, वाईफाई 802.11 AX वर्जन में डैश भी कहा जाता है, तो वाईफाई 6 भी इस वर्जन में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, वाईफाई स्पीड किस विच मापिया जाता है, तो MBPS विच वाईफाई की स्पीड में मापिया जाता है। दोस्तों इतने एक गल ध्यान में रखनी है, MBPS कैपिटल अक्षर में भी तो अपन ऑप्शन देखा जा सकता है एग्जाम, तो अपन उस पर क्लिक नहीं करना क्योंकि अपना सवाल गलत हो जाएगा। जे आप कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में MBPS लिखा होगा जो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, हमेशा याद रखना है कि छोटे अक्षर वाला MBPS विच ही वाईफाई की स्पीड मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, वाईफाई फ्रीकुएंसी आर सैट ऑन, मतलब कि जी रेंज होंगी है वाईफाई की वह किन्ने गीगा हर्ट्ज़ विच सैट की जाती है, तो 2.4 GHz एंड 5 GHz के विचाले विचाले जी वाईफाई की फ्रीकुएंसी सैट होंगी है। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, वाईफाई नैटवर्क को डैश भी कहा जाता है, तो WALN यानी वायरलैस लोकल एरिया नैटवर्क भी वाईफाई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, वाईफाई नैटवर्क वर्तने लिए अनअधिकारित की रोकथाम लिए डैश की वरतों की जाती है, मतलब अपना वाईफाई कोई हैक ना कर सके, इस वास्ते अपन वायरलैस सिक्योरिटी की लोड़ पैंदी है। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, वाईफाई नैटवर्क सिक्योरिटी इनक्रप्शन स्टैंड फॉर, जिहड़ी सिक्योरिटी हुंदी है उस विच WEP यानी वायर्ड इक्यूपमेंट प्राइवेसी का एक फीचर हुंदा है, या लेयर समझ लो, इसनूं लेयर भी कह दिंदे ने। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, वाईफाई नैटवर्क सिक्योरिटी वैप का पूरा नाम की है, ये भी क्लीयर हुंदी है दोस्तों वाईफाई की सिक्योरिटी विच, तां इसनूं वाईफाई प्रोटेक्टड एक्सैस किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, केड़ा छोटा रेंज वायरलैस स्टैंडर्ड वायरलैस पर्सनल एरिया नैटवर्क यानी WPN लिए वरत्या जाता है। तो दोस्तों इतने कन्फ्यूज नहीं होना, उपर आप एक क्वेश्चन रीड किया जिस विच आपां नूं वाईफाई का जिहड़ा स्टैंडर्ड नंबर जिहड़ा 802.11 से दोस्तों, वह 802.11 जिहड़ा स्टैंडर्ड नंबर से वह WLAN का जिहड़ा स्टैंडर्ड नंबर है। तो इतने इन्होंने WPAN यानी परसनल एरिया नैटवर्क का जिहड़ा स्टैंडर्ड नंबर पूछा है, तो इसका जिहड़ा रहेगा 802.15 से वाईफाई प्रोटैक्टड एक्सैस में TIKP यूज़ किया जाता। हूँ TIKP का पूरा नाम की है, तो टैंपरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल TIKP का पूरा नाम है। ओके दोस्तों, जो तुम सिलेबस के किसी होर टॉपिक के वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हो तो उस टॉपिक का नाम वीडियो के कमेंट में लिख दौ। हाँ, मैं नैक्सट पार्ट है जो अपने चैनल तो उस रिलेटड एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। एंड जो यह वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है।